बेचारे जगन्नाथ जी, पता था यही होने वाला था, लेकिन अब अपने बड़े भैया बलराम जी को कौन समझाए। बोला था मत करिए ऐसा, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी आज्ञा का पालन करवाना था। लक्ष्मी देवी को मंदिर से निकालना था और निकाल भी दिया। फिर क्या, अब दोनों भाई जगन्नाथ जी और बलराम जी घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। और क्या करेंगे, आखिर लक्ष्मी देवी ने इतना बड़ा श्राप जो दे दिया था। जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो भगवान जगन्नाथ और देवी लक्ष्मी के बीच की कुछ खट्टी मीठी यादों को बयां करती है। आपको क्या लगता है, जब लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को श्राप दिया तो उनका क्या हाल हुआ होगा। यह कहानी न सिर्फ रोचक है बल्कि प्राचीन भारत के इतिहास की एक झलक भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक यात्रा। ओडिशा में एक परंपरा है, हर साल मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार के दिन यहाँ की महिलाएं लक्ष्मी देवी की एक विशेष पूजा अर्चना करती हैं, और स्वयं लक्ष्मी देवी भी इस दिन जगन्नाथ जी की आज्ञा से पूरे मंदिर को छोड़कर अपने भक्तों के घर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जाती हैं। एक दिन इसी समय के दौरान लक्ष्मी देवी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप लिया और अलग अलग घरों में जाने लगी। उन्होंने देखा कि प्रातः काल का समय कब का बीत गया था, लेकिन फिर भी एक बड़े व्यापारी के घर में उसकी स्त्री अभी भी सो रही थी। घर में सफाई भी नहीं हुई थी और न कोई पूजा। यह देखकर लक्ष्मी देवी उस घर की एक वृद्ध स्त्री के पास गईं और कहा, आज लक्ष्मी की विशेष पूजा का दिन है और आपके घर में अभी तक स्त्रियां सो रही हैं, यह अच्छी बात नहीं है। आज तो आपको प्रातः जल्दी उठकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। यह सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण स्त्री ने अहंकार पूर्वक कहा, तुम कौन होती हो हमें सीख देने वाली? हमारे ऊपर तो पहले से ही लक्ष्मी देवी की बड़ी कृपा है, हमें कोई जरूरत नहीं है यह पूजा वूजा करने की। हाँ चलो जाओ यहां से और अपना उपदेश किसी गरीब को जाकर सुनाओ जिसे इसकी जरूरत है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं सुबह सुबह। लक्ष्मी देवी ने यह सुना तो वे वहां से चुपचाप चली गईं और अपने साथ उस घर से अपना सारा वैभव भी ले गईं। अब उस व्यापारी का घर इतना दरिद्र हो गया कि उसे वास्तव में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। उसके बाद लक्ष्मी देवी उस गांव में पहुंची जहां चांडाल जाति के लोग रहते थे। वहां जाकर उन्होंने एक चांडाल स्त्री के घर में प्रवेश किया और देखा कि वह जल्दी उठ गई थी। उसने संपूर्ण घर की सफाई की थी और लक्ष्मी देवी की पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस घर में अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की। इस प्रकार जब लक्ष्मी देवी अपने भिन्न भिन्न भक्तों के घर जा रही थी, तभी बलराम जी और जगन्नाथ जी भी सुबह सुबह टहलने के लिए निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी एक चांडाल के घर से बाहर आ रही थी। यह देखकर बड़े भैया बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, देखो तो जरा कान्हा, तुम्हारी पत्नी एक चांडाल के घर में जाकर आ रही है, क्या उसे नहीं पता कि ये लोग अशुद्ध होते हैं और किसी भी नियम का पालन नहीं करते, और फिर भी वह उनके घर गई थी? नहीं नहीं, अब वह हमारे मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं रही, इसलिए तुम्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी का त्याग करना होगा। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, यहां चांडाल जाति का अर्थ जन्म से नहीं किंतु कर्म से है, अर्थात चांडाल कोई जन्म से निकली जाति नहीं है। अभी तो ये ऐसे लोग हैं जो वैदिक धर्म और निर्देशों का पालन नहीं करते, जो अवैध कार्यों में लिप्त रहते हैं, फिर चाहे वह उच्च जाति के ब्राह्मण घर में जन्मे हों या फिर निम्न जाति में। इसलिए यह मत सोचिए कि बलराम जी निम्न जाति की उपेक्षा कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब जगन्नाथ जी ने अपने भाई की इस बात को सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने भैया बलराम जी को समझने का प्रयास करते हुए कहा, लेकिन भैया, लक्ष्मी देवी ने इसके लिए पहले से ही मुझसे अनुमति ले ली थी कि आज के दिन वह अपने भक्तों के घर जाएंगी, और फिर उनकी पूजा तो कोई भी कर सकता है ना, फिर वह एक ब्राह्मण और एक चांडाल में भेदभाव कैसे कर सकती है? ऐसा मत कहिए भैया। लेकिन नहीं, बड़े भैया तो बड़े भैया, वह अपनी बात पर अड़े रहे और बोले कि जो मैंने कहा उसका पालन करो,
अपनी पत्नी को त्याग दो, अन्यथा। उसे मजाक में लेने का प्रयास करते हुए कान्हा ने कहा, अन्यथा क्या भैया, चलिए छोड़िए इन सब बातों को, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलिए चलिए जल्दी से पेट पूजा करने चलते हैं, वैसे ही आपने सुबह सुबह मुझे इतना चलाकर थका दिया है। चलिए वापस मंदिर चलते हैं, हमारा भोग भी तैयार होगा। लेकिन नहीं, ये तो बड़े भैया हैं, उनको आप बातों में नहीं घुमा सकते। तो बस बलराम जी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में जगन्नाथ जी को अपना निर्णय सुना दिया। देखो कन्हा, तुम इस प्रकार मूर्ख बनाने का और अपनी बातों में उलझाने का प्रयास मत करो, ठीक है ना? हाँ, तुम्हारी सब चतुराई मैं समझता हूं, इसलिए मेरा यह अंतिम निर्णय है कि या तो तुम अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को इस मंदिर से निकाल दो, या फिर मैं ही चला जाता हूं यहां से। यह कहकर बलराम जी उठ गए और हमारे प्यारे जगन्नाथ जी फंस गए, एक तरफ बड़े भैया और एक तरफ आज्ञाकारी पत्नी। अब क्या करें? आखिर में थक हार कर उन्होंने लक्ष्मी देवी को बुलाया और उनसे कहा, देवी, क्योंकि आप आज के दिन एक चांडाल के घर में गई थीं, इसलिए बड़े भैया बलराम जी का आदेश है कि अब से आप इस श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। यह सुनकर लक्ष्मी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपकी अनुमति लेकर ही प्रत्येक वर्ष इस समय के दौरान अपने भक्तों के घर उन्हें आशीर्वाद देने जाती हूं, तो इसमें मैंने क्या अपराध कर दिया जो आप मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं? और फिर अगर कोई भूल हुई भी है तो हमारे विवाह के समय पर आपने ही तो मेरे पिताजी को वचन दिया था ना कि आप मेरे 10 अपराध क्षमा करेंगे, तो फिर अचानक मुझे यह मंदिर से बाहर निकालने के लिए आप कैसे सोच सकते हैं स्वामी? जगन्नाथ जी के पास लक्ष्मी देवी के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था, फिर मौन रहे, और उनके मौन का अर्थ था कि अपने बड़े भाई के आदेश के सामने वे भी लाचार थे। उन्हें इस प्रकार चुपचाप देखकर लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया, और यह श्राप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि अगले 12 वर्षों तक आपको पेट भरकर भोजन प्राप्त नहीं होगा, आपकी उदराग्नि कभी शांत नहीं होगी, और अंत में आपको मेरे हाथों से बने हुए भोजन का स्वीकार करने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी। बस इतना कहकर लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ श्री मंदिर को छोड़कर चली गई। फिर क्या था? फिर वही हुआ जिसका जगन्नाथ जी को डर था। अब संपूर्ण श्री मंदिर में सिर्फ जगन्नाथ जी और बलराम जी अकेले रह गए। लक्ष्मी देवी के जाने से पूरा मंदिर सुनसान हो गया, सारी ऐश्वर्य और समृद्धि नष्ट हो गई, सारे भंडार गृह खाली हो गए। अब श्री मंदिर में ना तो श्री देवी लक्ष्मी जी थीं और ना ही कोई भोजन। तो क्या आप जगन्नाथ जी और बलराम जी भूखे रहेंगे, या फिर कोई और आएगा उन्हें भोजन देने के लिए? क्या लक्ष्मी जी के बिना भी यह मंदिर वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे इस कथा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए अगर आपको यह कथा का पहला हिस्सा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, वरना अगला भाग मिस कर देंगे। हरे कृष्णा।